नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन आईएएस एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को लेकर के अभ्यर्थियों में काफी कंफ्यूजन रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई बार कंडक्टिंग बॉडी यानी कि एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो संस्थाएं भी आपस में कंफ्यूज रहती हैं और अलग अलग परीक्षाओं में इसके अलग अलग उत्तर मान्य है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये सवाल है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 71% भाग जो है पर पृथ्वी के 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ होता है। लेकिन जब यहां पर यह चीज पूछता है भाग, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहां पे दो तरीके के जो है विकल्प दिए गए होते हैं, 2/3 और 3/4। अब यहां पे एक सिचुएशन हो सकती है कि इन दोनों में से केवल एक ही विकल्प हो। यदि दोनों में से एक ही विकल्प है तो आप उसी विकल्प को लगाएंगे, लेकिन वहां समस्या उत्पन्न हो जाती है जब ये विकल्प में दोनों ही जो है आंकड़े दिए गए होते हैं। तो अब हम इस सवाल को हल करने के लिए अगर थोड़ा सा टेक्निकली कैलकुलेट करें तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा ऐसा डेटा है जो 71% के आसपास बनता है। तो 2/3 को अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो ये 66.66 होगा। इसी तरीके से इसको अगर हम देखेंगे तो ये 75% के आसपास हो। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा डेटा है जो इसके सबसे नजदीक है। तो यहां पर हम इसको माइनस करके देखेंगे, 4/3 और 4, ये अंतर आ रहा है 4.34। और यहां पे अगर हम देखेंगे माइनस करके तो यहां पे केवल 4 का डिफरेंस है। तो एक ये है, एक ये है। कहने का मतलब ये है कि 71 से अगर हम देखेंगे तो ये 4.34 जो है ये कम है। और इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर ये केवल जो है 4 अधिक। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 71% का जो आंकड़ा है वो इसके नजदीक बैठता है। तो इस तरीके से अगर दोनों ही विकल्प किसी भी प्रश्न में पूछा जाता है तो इसका टेक्निकली जो उत्तर है वो 3/4 भाग इसका सही होगा। तो इस तरीके से अगर दोनों ही विकल्प देता है तो वहां पर आपको टेक्निकली इस क्वेश्चन को जो है इस क्वेश्चन के लिए इस डेटा को सही उत्तर के रूप में मानना होगा। लेकिन यदि एक ही विकल्प देता है केवल 2/3 तो आप जो है इसे भी टिक लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है, ये सवाल पूछे जाने पर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। और उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको इन कैलकुलेशन को ध्यान में रखना होगा और इन कैलकुलेशन के माध्यम से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और न केवल सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं बल्कि उस उत्तर के समर्थन में इस तरीके के कैलकुलेशन डेटा को भी दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के सवाल के संदर्भ में उठने वाले विभिन्न प्रकार के सवालों को लेकर के हमने इस तरीके के जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको और ये क्वेश्चन विशेष रूप से इस तरीके के कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। पुनः अगले वीडियो में हम इसी तरीके से एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।